What are the factors favorable for formation of ionic bond? तो इसके अंदर देखो आयनिक बॉन्ड बनाना कैसे है, हम बोल रहे हैं लेंगे एन सी एल बनाना है, तो एन सी एल में होगा क्या, एक एन ए प्लस और एक सी एल माइनस। तो एन ए प्लस और सी एल माइनस को अगर बनाना है तो सोडियम एग्जिस्ट कैसे करता है, सोडियम सॉलिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सोडियम सॉलिड को हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू सोडियम गैस। ठीक है, तो अगर हम सोडियम गैस लें और सोडियम गैस से इलेक्ट्रॉन निकालें, तो इस प्रोसेस में सोडियम का आयन बनाने के लिए हमें लगेगी कौन सी एंथैल्पी, आयनाइजेशन। ठीक है, अच्छा क्लोरीन को अनायन बनाने के लिए Cl को Cl माइनस बनाने के लिए लगेगी हमारे को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होती है और आयनाइजेशन एंथैल्पी एब्जॉर्ब होती है, ये पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव भी पढ़ा था हमने। ठीक है, और तीसरी एंथैल्पी होती है जिसमें हमें Na प्लस और Cl माइनस को जोड़कर NaCl बनाना है, क्या बनाना है, Na प्लस और Cl माइनस को जोड़ के NaCl बनाना है। ये वाली जो रिएक्शन होती है दिस इज लैटिस एंथैल्पी, इसे क्या बोलते हैं। तो टोटल तीन एंथैल्पीज यहां पे इन्वॉल्व है, ये वाला प्रोसेस में रिलीज होती है तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, क्लोरीन वाली ये एंथैल्पी नेगेटिव होती है, रिलीज होती है, और ये वाली प्रोसेस में जो है एंथैल्पी भी रिलीज होती है। तो एक्सो ये एंडोथर्मिक होगा और ये दोनों प्रोसेसेस, तुम्हें कौन सा काम अच्छा लगता है जिसमें पैसा लगे एंडोथर्मिक या जिसमें पैसा मिले, पैसा मिले, ऐसा ही होता है प्रोसेसेस के साथ। प्रोसेसेस वो फेवर होते हैं जिनमें हीट रिलीज हो रही हो, क्योंकि हीट रिलीज होने पे, एनर्जी रिलीज होने पे स्टेबिलिटी आती है। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल वाले प्रोसेस है, ये दोनों स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये दोनों एनर्जीज हाई होनी चाहिए लो होनी चाहिए, ये हाई होनी चाहिए, ये ज्यादा रिलीज होंगी तो अच्छा है, कंपाउंड स्टेबल होगा, सो दैट मीन्स हाँ फेवरेबल। और जिसमें एनर्जी लग रही है, जिसमें एनर्जी गेन हो रही है वो प्रोसेस में कम, वो कम से कम होनी चाहिए, गेन वाला सबसे कम होनी चाहिए और लूज वाली एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तो दैट मीन्स फैक्टर्स फाइनल आर लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कम, क्योंकि लगे तो कम लगे, ज्यादा रिलीज होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और थर्ड हाई लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी वैसे तो उसके आयनिक कंपाउंड को तोड़कर गैस आयन में बनाने का होता है, यानी इधर से इधर जाना लैटिस एंथैल्पी होता है, पर यहाँ पे तुम ये समझ सकते हो कि कटायन आयन को जोड़कर जो एनर्जी रिलीज हो गई है वो लैटिस एंथैल्पी, उनको आयनिक कंपाउंड बनाने में। नहीं समझ आया किसमें, क्योंकि ये स्टेबल ज्यादा है, एनर्जी रिलीज हो गई, किसी चीज को तोड़ने में एनर्जी लगती है या तोड़ने में एनर्जी लगती है, एंडोथर्मिक होता है, हाँ इनिशियल को तोड़ेगा इसमें तो वो एनर्जी लेगा, तो जुड़ने वाला प्रोसेस क्या होगा, रिलीज करना, एक्सोथर्मिक। ठीक है, समझ आई वाली बात। तो ये तीन फैक्टर्स हैं फॉर फाइनल, ये आंसर है फैक्टर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है।
अब तुम्हें होमवर्क कहाँ तक करके आना।